विपक्ष बोल रहा है कि 25 जो सीटें हैं राजस्थान में उस पर विजयी भारतीय जनता पार्टी नहीं हो पा रही है। विपक्ष का ये कहना ही उनकी कमी को दर्शाता है। मंगलसूत्र के बारे में अभी मोदी जी ने जो कांग्रेस को लेकर जो बयान दिया था, कांग्रेस का मंगलसूत्र से कोई संबंध ही नहीं है। किन चीजों को लेकर आप जनता के बीच में जाने वाले हैं, जनता को कैसे फायदा मिलने वाला है? जो आने वाले 5 साल में काम होंगे वो अद्वितीय काम है। इस वक्त हम लोग मौजूद है भारतीय जनता पार्टी कार्यालय जयपुर में और हमारे साथ विधायक मौजूद है, सिविल लाइन विधायक गोपाल शर्मा जी। उनसे बातचीत करेंगे। लोकसभा चुनाव अभी संपूर्ण हुए हैं, उसको लेकर आने वाले 4 जून को उसका रिजल्ट आने वाला है। सर, क्या कहना चाहेंगे, 4 जून को लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आने वाला है, विपक्ष बोल रहा है कि 25 जो सीटें हैं राजस्थान में उस पर विजयी भारतीय जनता पार्टी नहीं हो पा रही है, इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? विपक्ष का ये कहना ही उनकी कमी को दर्शाता है। वो कह रहे हैं 25 सीट नहीं आएगी, यानी उनकी तो नहीं आ रही है। वो कह रहे हैं 25 सीट नहीं आएगी, वो सोचते हैं एक आध सीट कम आएगी, लेकिन 25 सीट ही आएगी। मंगलसूत्र के बारे में अभी मोदी जी ने जो कांग्रेस को लेकर जो बयान दिया था, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी जो है विरोध कर रही है, इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस का मंगलसूत्र से कोई संबंध ही नहीं है, क्योंकि जिन आस्थाओं को लेकर के कांग्रेस टिकी हुई है उनमें मंगलसूत्र आता नहीं है। मंगलसूत्र तो भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई एक अनमोल विरासत, अनमोल हिस्सा है। कि मंगलसूत्र का अर्थ होता है किसी महिला के मंगल से जुड़ा हुआ विषय, जो उनके पति के प्रति प्रेम को दर्शाता है। तो यहाँ तो वो सब विषय ही नहीं है, मंगलसूत्र से उनका क्या लेना देना। अगर 25 की 25 सीटों पर राजस्थान से भारतीय जनता पार्टी विजयी होती है, तो ऐसे में आगे मतलब किन चीज़ों को लेकर आप जनता के बीच में जाने वाले हैं, जनता को कैसे फायदा मिलने वाला है चुनाव की जीत का? देखिए, 25 सीटें तो आनी है और भारतीय जनता पार्टी नीतिगत रूप से सरकार बनने के बाद में जनता के सामने है। पानी की समस्या को दूर करना, नदी जल समझौते, ये भारतीय जनता पार्टी की मूल विशेषता है। दूसरा, अपराध के ऊपर, भ्रष्टाचार के ऊपर, आतंक के ऊपर जीरो टॉलरेंस, यह है भजन लाल जी की सरकार की प्राथमिकता है और यह आगे जारी रहने वाली है। हमको ये एक परिवर्तन देखने को मिलेगा कि 25 सीटों पर जीतने के बाद और केंद्र में 400 पार के बाद देश की जनता में, सरकार में एक नया आत्मविश्वास आएगा, एक नई सुबह होगी, नई पहली वापस सूर्य खिलेगा और उसमें लोगों को लगेगा कि उनकी अपनी सरकार कितनी ताकत से काम कर रही है। जो कार्य 10 साल में हुए हैं वैसे कभी नहीं हुए, अब जो आने वाले 5 साल में काम होंगे वो अद्वितीय काम होंगे। जैसे कि ये कहा गया है कि पाइपलाइन के जरिए गैस मिलेगी, बिजली का पैसा नहीं लगेगा, इसी तरह से पूरा विश्वास है कि पीओके भारत का हिस्सा होगा। हिसाब भी है, लेकिन वहाँ पर मुहर लगेगी और मुहर इस रूप में लगेगी कि जैसे दिल्ली में तिरंगा फहराता है उसी दिन पीओके में भी तिरंगा फहराएगा। तो ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो भारत को आर्थिक शक्ति बनाने की दिशा में, जैसे अभी हम 5वीं अर्थव्यवस्था से 3री अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं, 5 साल बाद स्थिति ये होगी कि हम 3री से 1ली अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ रहे होंगे। तो भारत ताकत के साथ कदम उठा चुका है और उसको रोकने की क्षमता किसी में भी नहीं है। तो ये थे विधायक गोपाल शर्मा जी, जिन्होंने बताया कि अगर बीजेपी संपूर्ण बहुमतों के साथ में अगर जीतती है तो कैसे आगे के जो आयाम बीजेपी जो सरकार है स्थापित करेगी। कैमरामैन हेमंत के साथ मैं विशाल जोशी, न्यूज़ टाइम टुडे, जयपुर। ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ टाइम्स टुडे को और जुड़े रहिए हमारे साथ।